हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज ज़बरदस्त से स्नैक की वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको ज़रूर लाइक भी करें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए है 1 कप मैदा, और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। आजकल बरसात का सीज़न है, वैसे भी आप जब भी कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ करें, मैदा या बेसन या कॉर्नफ्लावर वगैरह, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लिया करें। तो इसके अंदर जो चीज़ें चाहेंगी उसमें आधी चम्मच जो है वो मैं अजवाइन के डालूंगी, और बहुत ही ज़बरदस्त सी इजी सी रेसिपी है। इसी तरह इसके अंदर जाएगा आधा टीस्पून जीरे का, और इसी तरह से आधा टीस्पून ही मैंने नमक का लिया है। तो नमक मैंने इसमें नॉर्मल सा लिया है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ऑयल या घी आप ले सकते हैं, घी अगर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो रूम टेम्परेचर पे घी को करके आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है, और इसकी एक जो पेड़ा है, आटा है, उसको गूंद लेना है। और बस ये सिंपल सा मेथड है जिससे आप बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा जो अपना स्नैक है वो बना सकते हैं, और इसको आप चाय के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी जब भी अगर आपका मंचिंग का दिल चाहे तो आप ये खा सकते हैं। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर ही इस तरह की चीज़ें, स्नैक जो है, मिड मील्स जो है वो मांगते रहते हैं, तो उसमें आप ये जो है बना के बच्चों को दे सकते हैं। घर के ऑयल में, घर के सारी चीज़ों से ही ये बन जाता है। तो इसको आपने इस तरह से गूंद लेना है, और थोड़ा सा पानी आप डालते जाएंगे इसमें साथ साथ। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए है, बल्कि मीडियम सा हमें आटा, जिस तरह हम रोटी के लिए गूंथते हैं उस तरह का ही आटा जो है वो हमें चाहिए है। उसी तरह की डो हम इसकी बनाएंगे। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है और साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। तो बस आपके पास अगर 1 कप मैदा मौजूद है तो आप ये सिंपल सी डिश जो है वो घर पर बच्चों को बना के दे सकते हैं। बड़े भी इसको बहुत शौक से चाय के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, और इसको आप ज़रूर ट्राई करें। और साथ साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बस इस तरह से आपने पेड़ा बना लेना है इसका, और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो पेड़ा बनाने के बाद आपने करना ये है कि ऑयलिंग कर देंगे इसकी थोड़ी सी ब्रश की मदद से, और इसको अब हम कुछ देर के लिए रेस्ट दे देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 10-15 मिनट के बाद आपने आटा जो है वो अपना लेना है पेड़ा। अब ये एक बड़ा पेड़ा है तो मैं इसमें से 2 पेड़े बना लूँगी, और उसमें से फिर रोटी जो है वो बेल लूँगी। तो इसके अंदर से ही मैं जो है रोटी को मैं 2 रोटियाँ बना लूँगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा सॉफ्ट सा बना है, तो इसमें से हम हाफ करके और फिर इसकी 2 रोटियाँ जो हैं वो बेल लेंगे, और बारी बारी करके जो है वो मैं फिर जो इसकी कटिंग्स हैं, शेप्स हैं, वो दे दूँगी। तो शेप बनाने के लिए जो है वो हमें चाहिए होगा, कोई भी आप नाइफ ले लीजिए या आप पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए। और अब आप देख लें कि इतनी मोटी आपकी जो ये रोटी है वो होनी चाहिए है, जितनी आप नॉर्मल रोटी के लिए भी बेलते हैं उतना ही मोटा हमें इसका चाहिए है थिकनेस। तो अब यहाँ पे आप छुरी से, या अगर आप पिज़्ज़ा कटर है तो उससे आप काट लीजिए। तो पहले आपने वर्टिकल लाइन लगा देनी, और फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी, और बिल्कुल जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कट करते हैं उसी तरह से आपने पिज़्ज़ा के स्लाइसेस की तरह ही इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है। और बस सिंपल सी शेप हम इसको दे देंगे। अब आपने बाहर की साइड से जो है इसको रोल करना शुरू करना है इस तरह से। तो जहाँ से बाहर से आपने इसको बारीक बारीक करके रोल कर देना है, और एंड पे इस तरह से आपने जहाँ पे ये स्टॉप हो रहा है वहाँ पे हल्का सा पानी लेकर इसको यहाँ से दबा देना है थोड़ा सा, ताकि इसकी शेप जब हम फ्राई करें तो ये ओपन ना हो और इसी तरह से बंद रहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त देखें कि शेप इसकी बन के तैयार हो गई है। तो हम सारे के सारे जो ट्रायंगल्स हैं उनकी इसी तरह से शेप बना लेंगे, और ज़बरदस्त से हमारे जो स्नैक्स हैं उनकी डो बिल्कुल प्रिपेयर भी हो गई जल्दी से, और हमने जल्दी से इसकी शेप भी दे दी है। और बस अब लास्ट जो इसका प्रोसीजर है, यानी कि इसको फ्राई करने का, वो रह गया है।
तो आप जो हैं इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई भी किया करें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक भी दिया करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी जो शेप्स थी वो बना ली हैं, और अब दूसरी साइड पे मैंने रख दिया है ऑयल गरम होने के लिए। और ऑयल जैसे ही गरम होगा तो फिर हम इसके अंदर ये जो हमारे नमक पारे बने हैं इनको हम डाल देंगे। तो बिल्कुल ये नमक पारे ही हैं, और आपने बस इनकी शेप को चेंज किया है, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया है ताकि बच्चे जो हैं वो शौक से खाएं, और वैसे भी बड़े भी इसको शौक से खा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर ऑयल के अंदर इसको ऐड करते जाना है, और फ्लेम जो है वो आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे बल्कि जलना शुरू हो जाएंगे, और अंदर से जो है ये कच्चे रह जाएंगे। तो आपने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो इसको पकाना है, कुक करना है, और एकदम से आपने इसको हिलाना नहीं है बल्कि 4-5 मिनट के बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता से खुद से घी से ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपने इसको हिलाना है। तो अब यहाँ पे देखें कि लाइट लाइट से इनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, और अब यहाँ पे ये अच्छे से गोल्डन से कलर इन पे आना शुरू हो गया है, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल रेडी हैं। और बस अब आपने इसको निकाल लेना है अपनी जो भी सर्विंग डिश है, लेकिन याद रखिएगा कि टिश्यू पेपर आप ज़रूर रख दीजिएगा, कोई भी अब्सॉर्बेंट पेपर जो है वो रख दीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल जो है जितना भी वो इसके ऊपर आ जाए। तो बस अब हम इसको स्ट्रेन करके ऑयल से तो इसको हम डाल देते हैं अपनी प्लेट में, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है। स्पेशली शाम को इवनिंग टाइम पे स्नैक्स के साथ, चाय के साथ आप इसको ज़रूर खाएं, और इसको अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ इंजॉय करें। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स जो हैं वो हो गए हैं रेडी, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बहुत देर तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसको ठंडा हो जाने दीजिए, और उसके बाद आप इसको किसी भी जार में स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको काफ़ी दिन तक यूज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइएगा कि कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। कल तक की रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।